एक आदमी था, बहुत ही गुस्सैल, जब देखो किसी को कुछ भी कह दे। एक दिन उसके पड़ोसी से उसकी लड़ाई हो गई। बस आओ देखा ना ताओ कुछ भी बोलना शुरू, भयंकर लड़ाई हो गई। उसके बाद जब वो घर में आके बैठा, परेशान हुआ, तमतमाया हुआ चेहरा, परेशान, भुकटे सब। थोड़ी देर बाद सोचने लगा, अरे मैंने बुरा भला बोल दिया, इतना भी तो बुरा नहीं था वो, उफ अब क्या करूं। वो बाहर निकलकर उसको देखता है, पर पड़ोसी था कि उसकी तरफ उसने देखा ही नहीं। अब ये व्यक्ति बहुत परेशान हुआ, बल्कि 3-4 दिनों तक उसे नींद ना आई, बार बार करवट बदलता रहा। फिर उसने सोचा, चलो चलते हैं किसी के पास जो मुझे थोड़ा सा इस समस्या से उबारे। चलते चलते उसे एक ज्ञानी व्यक्ति मिल गया। उसने अपनी समस्या बताई तो ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, ये जो थोड़े बहुत जो पंख दिखाई दे रहे हैं उन सबको इकट्ठा करके ले आओ। अब ये व्यक्ति गया, उसने सारे पंखों को इकट्ठा किया, एक टोकरी में रखा और ले गया उस ज्ञानी व्यक्ति के पास। उसे कहा, मैं ले आया, मैंने काम कर लिया। तो उन्होंने कहा, जाओ इन पंखों को उठाओ और उड़ा दो। उड़ा दो, चलो कोई बात नहीं, जैसा कहते वैसा कर लेता हूं। अब जाके उसने सारे पंखों को उड़ा दिया। फिर आ गया दौड़ता हुआ, जी मैंने ये काम भी कर लिया। अब उन्होंने कहा, जाओ जिन पंखों को उड़ाया है उन्हें वापस टोकरी में भर कर लाओ। पर ये तो बहुत ही नामुमकिन काम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पता नहीं वो पंख कहां चले गए। तो उस ज्ञानी पुरुष ने कहा, जैसे तुम्हारे सारे पंख उड़ गए और अब तुम कह रहे हो कि ये नामुमकिन कार्य है, अब उसे वापस नहीं ला सकते। वे पंख जब एक बार उड़ गए अब वे वापस नहीं आ सकते। इसी प्रकार तुम्हारे शब्द भी उन पंखों की तरह है जो एक बार जीभ से निकल गए, अब वापस लाना असंभव है, नामुमकिन। बस यही हो सकता है अब आगे से ना ऐसा बोले, क्योंकि ये जीभ जो है ये अपना काम कर जाती है और बाद में खुद को पछताना पड़ता है। इसी पर एक दोहा भी है जो रहीम दाजी ने लिखा है, रहीमन जीवा बावरी कहेगी सरग पताल, आप तो कहे भीतर रही जूती खात कपाल। तो आप सबको पता ही है कि जीभ का तो कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कह सकती है, स्वर्ग और पाताल तक की कुछ भी बात ये कह सकती है। और किसी को अच्छा लगे बुरा लगे इसे कोई परवाह नहीं, ये तो अपना काम कर जाती है और उसके बाद मुंह के अंदर चली जाती है। लेकिन इसकी वजह से हमारे मित्र भी बनते हैं और शत्रु भी, और उसके बाद आप ही को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है, बुरी भली सबकी सुननी पड़ती है। इसलिए बेहतर है अपनी जीवा को जब आप मुंह खोलते हैं और जीवा को आप बाहर निकालते हैं ध्यान से बोलिए, क्योंकि ये शब्द पंखों की तरह दोबारा इकट्ठा नहीं किए जा सकते, एक बार उड़ गए तो उड़ गए। धन्यवाद।